हेलो अभिरबन, आज मत करने वाले टीवीएस राइडर के बारे में। 125 सीसी की बाइक है और ये टीवीएस की तरफ से आती है। टीवीएस की तरफ से कोई भी 125 सीसी की बाइक नहीं आती थी। ये पहली ऐसी बाइक है 125 सीसी में टीवीएस की तरफ से। ये बाइक सभी प्रकार के लोगों को टारगेट करती है, चाहे स्कूल जाने वाले हो, कॉलेज जाने वाले हो, फिर ऑफिस जाने वाले हो या फिर अन्य किसी काम के लिए। इस बाइक पर आप टूरिंग भी कर सकते हो अच्छी तरह से। इस बाइक की बात करते हो परफॉर्मेंस अच्छी है, इंजन की पावर भी काफ़ी अच्छी है, पावरफुल इंजन दिया गया इस बाइक पर, कंफर्ट में भी ध्यान रखा गया है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसके कंपटीटर की बात करें तो काफ़ी सारे बाइक आते हैं 125 सीसी में, पर इसके सीधे टक्कर होंडा एसपी 125 सीसी से हो रही है, पर ये उसे ही पछाड़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये बाइक आज की जनरेशन को देखते हुए बनाएगी, काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो आज हम टीवीएस राइडर को डिटेल में जानेंगे और इसके परफॉर्मेंस, इंजन पावर के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं टीवीएस राइडर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीडियो मोटो ब्लॉग का स्वागत है। जब से ये बाइक लॉन्च किया गया इंडिया में, काफ़ी तारीफ किया जा रहा है लोगों द्वारा। इस बाइक का सेल्स रेट जो काफ़ी बढ़ते जा रहा है इंडियन मार्केट में, लोग काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं इस बाइक को, काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस बाइक को। इस बाइक का ओवरऑल लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी लुक के साथ आती है, काफ़ी स्पोर्टी लुक है इस बाइक का। फिनिशिंग भी अच्छी तरह की गई है इस बाइक पर। टोटल 4 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक। सबसे पहले बाइक के फ्रंट से बात करते हैं। हेडलाइट के ऊपर राइडर की वेजिंग मिल जाती है। हेडलाइट की बात करते तो फुली एलईडी लाइट दी गई है और डीआरएल काफ़ी खूबसूरत दी गई है इस बाइक पे, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस बाइक पे। इंडिकेटर बात करते तो वो भी एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं इस बाइक पे। अब इसके सस्पेंशन की बात करते तो ब्लैक कलर का सस्पेंशन दिया गया है। टायर की बात करते तो 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया फ्रंट में। अब इसके डिस्क ब्रेक की बात करें, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो 130mm का डिस्क ब्रेक ऑप्शन दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो SBT ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इस बाइक पर। टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील्स दिया गया है फ्रंट रियर पे, दोनों में अलॉय व्हील्स दिया गया है इस बाइक पर। बाइक पे आपको एक डिटेल मीटर दिया गया है, इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन दिखाई देते हैं, कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। इसके टैंक के आगे एक USB चार्जर दिया जाएगा, जब आप इसे बाय करेंगे तब आपको शोरूम द्वारा फिट किया जाएगा। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसकी राइडिंग रेंज जो है वो 580 किलोमीटर बताई जा रही है एंड माइलेज जो है 58 किलोमीटर दे देगी, ये बताया जा रहा है कंपनी द्वारा। इसकी टॉप स्पीड 99 किलोमीटर पर आवर की है। अब इसकी पीछे भी नज़र डालते हैं, इसके पीछे भी एलईडी लाइट देखने को मिलता है, इंडिकेटर भी एलईडी मिलती है। इसके टायर की बात करें तो 190/17 इंच का ट्यूबलेस देखने को मिलता है पीछे। पीछे ब्रेकिंग की बात करें तो ड्रम ब्रेक दिया गया, इस पर डिस्क ब्रेक ऑप्शन नहीं दिया गया। ड्रम की साइज़ की बात करें तो 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया इस बाइक पर। इसकी सीट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है, काफ़ी अच्छी सीट दी गई है इस बाइक पर, काफ़ी कंफर्ट कर दिया गया टीवीएस वालों ने। इसके पीछे की सीट में थोड़ी सी जगह बच जाती है, जिसमें कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं। इस बाइक पर हर चीज़ प्रीमियम रखी गई, प्रीमियम चीज़ का इस्तेमाल किया गया इस बाइक पर, ताकि इसकी स्पोर्ट लुक जो है बनी रही। इसके इंजन की बात करें तो लगा हुआ है 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 11.2 bhp पावर, अदर 500 rpm पर एंड मैक्सिमम टॉर्क 11.2 Nm का। 5 स्पीड गियर बॉक्स आती है एंड इस बाइक पे कोई भी किक की सुविधा नहीं मिलती है। बाइक की प्राइस की बात करें तो 88,000 प्राइस है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। धन्यवाद।